दोस्तों रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्रीज ने अनाउंस किया कि नवंबर से वो 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कम प्रोड्यूस करेंगी, जिससे ऑयल प्राइसेस में और तेजी आएगी। और यूएस इस बात से परेशान है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूएसए में जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 40 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है वो और ऊपर जाएगा। और इस बात की सीवियरिटी को समझते हुए जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरेबिया जाते हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो ओपेक प्लस के इस डिसीजन को वापस ले ले, पर सऊदी इस बात पर साफ इंकार कर देता है और फिर यूएसए की रिक्वेस्ट थ्रेट का रूप ले लेती है। जो बाइडेन कहते हैं कि सऊदी को इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे और इसी थ्रेट के सिलसिले ने आगे बढ़कर एक्विजिशन का रूप लिया। और रिसेंटली एक यूएस सेनेटर ने कहा कि सऊदी अरेबिया यूएसए की डिफेंस टेक्नोलॉजी रशिया के साथ शेयर करता है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हालांकि सऊदी ने कहा है कि ओपेक प्लस का ये डिसीजन प्योरली इकोनॉमिकल है और इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बुली करने वाला यूएसए खुद का ही ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा है।